नमस्कार, मैं मानस मिश्रा ऑल इन्वेस्टमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बड़ी खबर आ रही, जिन आरोपियों को कल यूपी में एटीएस ने लखनऊ से पकड़ा था उनकी कोर्ट में पेशी थी। आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, कोर्ट रूम लाइव आपको दिखाने जा रहा हूँ। और आज ये जो पूरे का पूरा मामला है, आज कोर्ट पहुँचता है तो पूरा क्या असल में इसके पीछे का साजिश थी वो खुलकर सामने आती है। और आप और हम सभी सुन करके हैरान रह जाते हैं कि मेरे बगल वाला अब्दुल, मेरे बगल वाला दानिश आतंकवादी निकल जाता है। काकुरी के लोग इस समय सदमे में हैं, सहमे हुए हैं। और असल में ये तो सिर्फ और सिर्फ एक आतंकवादी घटना नहीं, सिर्फ राम मंदिर, मथुरा और बाकी जितने धर्मस्थल थे उनको निशाना बनाया जाना था। और 15 अगस्त से पहले ये सारी साजिश सचनी थी। और आपको मैं ये मेरे ख्याल से कल से आप खबर सुनते आ रहे होंगे, लेकिन अब आपको दिखा रहा हूँ आखिर कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है, क्या क्या पूरा मामला है। अनुरोध करूंगा वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिएगा। शुरुआत में पूछूंगा अमरीश जी, बताइए जो पूरा का पूरा मामला आप देख रहे हैं, इसमें एक तरह से निकल रहा है कि ये पूरा तरह से चुनाव को लेकर के हर तरह से पूरी तरह से मोड़ने का प्रयास था, कि एक खास समुदाय को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, कि राम मंदिर को लेकर बौखलाहट थी, इन सबको लेकर बौखलाहट थी। लेकिन एक घर में जिस प्रकार से मिलता है, एक पड़ोस में हम होते हैं और पड़ोस में अगर कोई खास समुदाय का होगा तो एक इससे हम लोगों के बीच में आपसी दूरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी इसमें? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो ये कहता हूँ कि हर चीज़ को चुनाव के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। जैसे कि सपा का अभी बयान आया कि वो चुनाव के नज़रिए से इसको देख रहे हैं। देखिए, ये कानून व्यवस्था की बात है। और जिस तरीके से प्रदेश में बैठ करके, लखनऊ जो कि राजधानी उत्तर प्रदेश में, बम बना रहा है कोई बैठ करके, हम जिसके साथ घूम रहे हैं, हम अमीनाबाद में गए, कोई हमारे बगल से मौलाना निकल रहे हैं, तो हमको सिखाया जाता है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। लेकिन अब ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बगल में कोई कुकर बम बना करके बैठा हो, कोई मानव बम पहन करके आए और मंदिर में घुसे और मंदिर को उड़ा दे। तो ये डर बनना बहुत वाजिब है और उसके उदाहरण लगातार हमको मिलते हुए जा रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे शहरों से मिलने शुरू हो गए हैं। ये लोग नेपाल के बॉर्डर से घुस करके आके यहाँ लखनऊ जैसे स्थानों पर रह रहे हैं। और हमारे देश में आपको मैं बताऊं कि कुछ ऐसे नेता हैं जो इनको प्रश्रय देते हैं आकर के। अभी शाम को जैसे डिबेट शुरू होगी, आके बौखलाहट उनकी निकलनी शुरू हो जाएगी। वो कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो सरकार है जो अल्पसंख्यकों को परेशान कर रही है। वो कह रही है कि हर कुर्ता वाला, हर दाढ़ी वाला आतंकवादी होता है। अरे भाई साहब, उसका कोई आइडेंटिटी कार्ड हो तो आप ही बता दीजिए कि हम देख लें कि ये आतंकवादी नहीं है। असल में जब ये लोग पकड़े जाते हैं, जैसे पकड़े गए अभी, अब इनका कोई नहीं जानता था कि बगल में मेरे आतंकवादी रहता है। वहाँ के लोग, वो तो जॉब कर रहा है, एक पेंशनर है, इस भारत का नमक खाया है उसने और उसके बाद में ऐसी नमक हलाली। देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ जो मैंने कहा यूनिवर्सिटीज, कुछ ऐसी चीज़ें जिस इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाती थी उसकी वाइफ, वो असल में पूछा जाए तो जो स्टूडेंट वहाँ के पढ़ते हैं, अगर आप, क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो शायद इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से रहे हैं, तो बहुत बारीकी से उसके बारे में बताते हैं। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी सच बताएं तो इसको वो लोग बहुत अच्छे समझते हैं कि वहाँ खास समुदाय को, लोग को वहाँ वेटेज दिया जाता है, वहाँ बुलाया जाता है उनको लेकर के। लेकिन मैं इन सब के बीच में जो खबर आ रही है, इस खबर ये है कि राम मंदिर पर अटैक होने का था या मथुरा पे था, राम मंदिर को खासा टारगेट था। सरकार से भी अपील करना चाहेंगे कि आज अगर आप अयोध्या जाते हैं और राम मंदिर जाते हैं दर्शन के लिए, तो राम मंदिर के दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा आपको सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है। लेकिन अब वहीं हनुमानगढ़ी जाते हैं या किसी अन्य मंदिर पर जाते हैं तो सरकार से गुजारिश है, आप हनुमानगढ़ी पे कैसे भी चले जाइए, कोई नहीं, पुलिस वाले खड़े हुए हैं, कोई सिक्योरिटी चेकअप नहीं होता है। तो हमारी सरकार से यह अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि कृपया करके ऐसे स्थानों की सुरक्षा को बढ़ाई जाए, क्योंकि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं ऐसे में। बिल्कुल, क्योंकि राम मंदिर की सुरक्षा है, लेकिन उससे पहले हनुमान मंदिर, हनुमानगढ़ी की सुरक्षा को अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ पुलिस वाले वहाँ बैठे होते हैं। सुरक्षा के नाम पर सिर्फ पुलिस वाले, एक तरह से जैसे खेत में लगे हुए वो जो पुतले खड़े होते हैं, सिर्फ उसी प्रकार से यूपी पुलिस वहाँ पर खड़ी होती है। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि ये सिर्फ मंदिरों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, ये मंदिर तो है ही है, अब ये क्या है कि धर्म के नाम पर जो इनकी लड़ाई है उसको लड़ रहे हैं। भाई, राम मंदिर अगर बन रहा है तो हमारे देश की सर्वोच्च संस्था जो कानून की, उसने कहा है, उसके बाद बन रहा है, उसमें एक मुस्लिम जज भी था, उसके बाद में जो प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है कि बदला लेंगे, ये क्या हो गया कि भाई बदला लेने की तो भावना है कि हम बदला लेना चाहते हैं कि राम मंदिर तुम कैसे बना लिए। भाई, ये हमारे देश का फैसला है और उस देश में सब सारे समुदाय के लोग आते हैं, कोई उम्र बैठ करके अफगानिस्तान के बॉर्डर से डिसाइड नहीं करेगा कि भारत कैसे काम करेगा। यहाँ के भी कुछ नेता हैं,
अभी आप बयान देखना शुरू करें, धीरे धीरे आ रहे हैं, शुरू हो रहे हैं, वो निकल करके सामने आएंगे। अखिलेश यादव का ये बयान बहुत गैर जिम्मेदाराना है। बिल्कुल, अखिलेश यादव ने कहा, मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने जिस पुलिस को चलाया है 5 साल, जिनके उनके अंडर में काम किया है, जिस पुलिस ने उनको सुरक्षा दिया है, आज वो कह रहे हैं कि हमको भरोसा ही नहीं है उस पर। और आज भी वही पुलिस ने सुरक्षा दे रही है, और वही सुरक्षा दे रही है, उनके घर के बाहर वही खड़ी हुई है, और उस पर उनको भरोसा नहीं है। उसके बाद भी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार पर, अरे भाई बीजेपी और सपा और बसपा छोड़ दीजिए, पहले देश की सुरक्षा पर बात कर लीजिए। असल में इसको मैं देखिए, अखिलेश यादव का इसे बचकाना बयान कहेंगे। बचकाना बयान इसलिए है क्योंकि अगर आप अटैक करना है, देखिए आज का सत्ता पक्ष जो है उसका राष्ट्रवाद, सेना, ये उसके बड़े मजबूत पकड़ हैं, और इस पर ही आप नब्ज, इसी नब्ज पर आप क्या करते हो, इसी घाव को कुरेद देते हो, और जनता क्या करती है, उसको तुरंत पकड़ती है। अखिलेश यादव को इस समय एटीएस की कार्रवाई थी आतंकवादियों को लेकर के, तो एटीएस और पुलिस पे सवाल करने की क्या जरूरत थी कि पुलिस, यूपी पुलिस है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज ये सवाल खड़े किए गए यूपी पुलिस और एटीएस को लेकर के, इसका सीधा फायदा किसको होगा, भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। बिल्कुल होगा, और जब ये लोग ऐसे हरकत करते हैं तभी तो बीजेपी को एडवांटेज इसका मिल जाता है, और वो बात पॉलिटिकल अपने आप हो जाती है। यहाँ पर तो पॉलिटिकल होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि सबूत मिले हैं, उसके घर से कुकर बम बरामद हुआ है, वो बात कर रहा था उमर से, उसकी बात पूरी रिकॉर्डिंग है। तो जब सारे सबूत मिल गए, उसके बाद में आप ये कैसे कह रहे हैं कि नहीं ये सरकार की साजिश है या किसी समुदाय को परेशान करने की बात है। सबसे अच्छा इसमें इन्हें, अगर मुझे लगता है कोई इनका जो इनको सलाह देने वाले लोग हैं, इन्हें सबसे अच्छा ये करना चाहिए, इस मामले में या तो चुप बैठ जाना चाहिए। बिल्कुल, इस मामले पर चुप बैठ जाएं, कुछ बोलने की जरूरत ना हो, या तो अगर बोलते भी हैं तो सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार को समय रहते कार्रवाई करनी चाहिए, अच्छा किया कुछ करके, कम से कम ये तो हो कि आप किसी के लिए कर। आप देखिए बीजेपी का इन्होंने कहा था बीजेपी की वैक्सीन, अखिलेश यादव ने कहा था बीजेपी की वैक्सीन, आप सभी दर्शक ने भी सुने होगा बीजेपी की वैक्सीन, अंततः वो बीजेपी की वैक्सीन मुलायम सिंह यादव भी लगवाते हैं, ये खुद लगवाते हैं, लेकिन आखिरी में कहते हैं भारत सरकार की वैक्सीन है। कुछ लोग इनके पार्टी में सपा में कहते हैं लोग अगर वैक्सीन लगवाएंगे तो नपुंसक हो जाएंगे, इतनी भ्रांतियां फैलाई गईं, और उसके बाद विपक्ष खड़ा होता है कहता है अभी तक ठीक नहीं लगी, जबकि लोगों के मन में डर था, हम और आप, इतनी भ्रांतियां फैलाई गई थी कि लोगों के मन में, हम और आपके मन में डर था कि शायद कुछ कमी रही, कुछ कमी रही हो। और जब जो बड़े नेता हैं, जो अपने जो जिन्होंने कभी प्रदेश को चलाया है या जो राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, वो अगर ऐसे बयान देते हैं तो उनके भी फॉलोअर हैं, भले हो सकता है उनके फॉलोअर कम हों, लेकिन वो जितने फॉलोअर हैं वो परेशान होते हैं, और जो दूसरे हैं जो स्वतंत्र हैं, किसी के फॉलोअर नहीं हैं, उनको भी डर लगता है कि इतना बड़ा नेता जो पहले मुख्यमंत्री था वो कह रहा है कि वैक्सीन बीजेपी की है, या इससे नपुंसक कोई हो जाएगा। कहावत सुनी होगी, अगर आप किसी को राजी नहीं कर पा रहे हो ना किसी अपने अपने काम के लिए, तो उसको कंफ्यूज कर दो, ठीक है, ये बहुत बड़ी कारण है, गेट कंफ्यूज मतलब उनको कंफ्यूज कर दो। तो यही हालत आज के विपक्ष का है, वो अपनी बात नहीं मनवा पाते हैं, तो जो सत्ता पक्ष काम कर रही होती है उस सत्ता पक्ष को कहते हैं कि ये जो काम कर रही है वो उल्टा पुल्टा करके जो जनता है उससे विपक्ष को पूरा गुमराह कर देते हैं। यही काम इन्होंने वैक्सीन पे किया, यही काम आज एटीएस पे कहा है कि आतंकवादी हैं, पकड़े गए हैं, अब ये कह रहे हैं कि ये काम जो क्या कर रहे हैं, ये जो हो रहा है सब कुछ, ये यूपी पुलिस है, कुछ भी कर सकती है। ये देखिए, तो यही है कि इसीलिए जनता का नैरेटिव कभी इनके साथ नहीं जाता है, ये लगातार 2014 से ये लोग मुँह की खाती हुई आ रहे हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जहाँ पर एक तरीके से जनता का जो मूड है वो देख रही है कि भाई देश में आतंकवादी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी आदमी ये नहीं चाहता है कि उसके बगल में बम दग जाए या वो पूजा करने जा रहा है तो वहाँ पर बम दग जाए। ऐसे में जब आप इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे तो जनता आपके साथ नहीं जाएगी, जाहिर सी बात जनता नहीं जाएगी। और अभी उन दोनों की पेशी हुई एटीएस कोर्ट में, एटीएस कोर्ट में पेशी होने के बाद इसमें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड चाहेगी एटीएस, और ये श्योर है कि एटीएस को रिमांड मिलेगी, क्योंकि ये जो चीज़ें बरामद हुई हैं इसे भी खाना पूर्ति है कि एटीएस को रिमांड, क्योंकि एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत एटीएस पहुंची है कोर्ट में, और कोर्ट में वहाँ उसको रिमांड मिल जाएगी एटीएस कोर्ट में, और रिमांड मिलने के बाद अब एक एक करके परतें खुल चुकी हैं, चाहे वो मुरादाबाद से लेकर के दिल्ली, पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल में, मथुरा में, मतलब हर जगह पे, इवन कोलकाता से लेकर बहुत लंबे तार जुड़े हैं, और ये सब जगह पर छापेमारी चल रही है ना, ये कि जल्द बड़ा बड़े रैकेट का यहाँ खुलासा होने वाला है। और एक बार बता दीजिए कि हम और आप सेफ हैं, क्योंकि ये सरकार है, इससे पहले जो सरकारें रहीं आप जानते हैं बम फूटने के बाद पता चलता था कि वो आतंकवादी वहाँ छिप करके यहाँ कांड करके गए थे, यही अगर दूसरी सरकार होती तो ये होता कि काकोरी के इस जगह पर ये आतंकवादी पहले छिपे थे, बाद में पुलिस जाके वो सामान बरामद करती, और अब क्या हो रहा है ये पहले बरामद हो जाता है। अगर आप इस बात से सहमत हैं कमेंट बॉक्स में लिखें, बहुत बहुत धन्यवाद।